As an individual कुछ नहीं अंकिता की है, सुनकर आपको क्यों हंसी आ रही है? नहीं कुछ वो, बना बना वाला एक आया थोड़ा, थोड़ा तो थोड़ा आप देख रहे हो <laughs> का पूरा जो दिख रहा है यहाँ पे वही कब से बोल रहा हूं यार एपिसोड बस सुना इनको जो कट कट करके कर। आ, आपने बोला अंकिता की वो विक्की भैया विक्की भैया बोलती हैं बट वो भी आपके लाख मना करने के बाद मन्ना 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 करते हैं तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी इसके बाद एड ऑन करूंगी विक्की आपसे आपने बोला कि आपका बहुत अटैचमेंट है आप अफेक्शन फील करते हैं अंकिता से बट जब आपकी मॉम आई थी और मेडिटेशन रूम में जो भी उन्होंने अंकिता को बोला अंकिता ने करण से क्लियरली बोला इशारे में कि आप प्लीज़ वो बात मत छेड़िए बट आपने फोर्स किया तेन शी टोल्ड यू कि जो भी हुआ था मैंने पूछा कि मुझे हाँ था। हम सब भी औरत हैं हमारी भी शादीशुदा लाइफ है बट जो तरीके से आपने एज ए हजबेंड रिएक्शन दिया अगर ये ओरिजिनल भी आप लाइफ में करते हैं तो विच इज़ वेरी बैड क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने आपकी मॉम से आपके फादर ने किस तरह बात की उनके जो इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में फिर उनको उनकी औकात दिखाने के बारे में आपने उनको एक सेकेंड के लिए भी हाथ पकड़ के हक नहीं करा उल्टे आपने अपनी पास की 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 हुई फैमिली की सारी चीजें कि आपको छूट दी गई है आपको फ्रीडम दी है आप फाइनेंशियली जब फ्रीडम दी गई सब कुछ वो सब कुछ आपने बोल दिया बट आपको वो नहीं दिखा कि अंकिता कितनी डीपली हर्ट थी इस चीज़ से उसके बावजूद भी आपकी मद आपकी मदर का इन्होंने कहीं जा कर के भी कोई मजाक नहीं बनाया कुछ नहीं बोला नेशनल टीवी पे भी चुप करा दिया होस्ट को तो आपको नहीं लगता कि आप वहाँ पर गलत हो और ये कैसा प्यार है ये कैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है कि आपने उनकी मदर के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखाई और अपनी मदर को आपने हर जगह सही खड़ा कर दिया और क्या ये आगे भी चलता रहेगा आप हमेशा शो करेंगे जब भी कुछ गलती होगी आपकी मदर से या फैमिली से कि मेरी फैमिली ने वो किया था बट तुमने उस तरीके से रिएक्शन क्यों नहीं दिया आज भी कल सलमान सर ने मैम सेम चीज़ हम लोग से पूछी थी वीकेंड के बारे में तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई उस चीज़ में किया था कि मैम देखिए मैं बहुत ज़्यादा ना आ, फैमिलीज जो होती है ना फैमिलीज आ, ने अपना कर लिया मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उनको जो करना था हमारी लाइफ में उन्होंने कर लिया मैं चालीस साल का हूँ अंकिता की एक सर्टन है हम दोनों मोर देन एडल्ट हमने सब फैसले हमेशा शादी से लेके यहाँ तक आने हर फैसला हम दोनों ने खुद लिया है uh, मेरी फैमिली या इनकी फैमिली बिल्कुल भी नॉन इंटरफेयरिंग फैमिली है वो हम दोनों को एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह रहने देती है उनका हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है कोई उम्मीद नहीं है कोई सर्टेन पैरामीटर्स नहीं है कि एक सास बहू को ऐसे रहना है कुछ भी नहीं है हम दोनों फ्रीली रहते हैं जब हम इस शो पे आए थे तो हम दोनों का एक ही वरी पॉइंट था कि आज हम दोनों की जो भी चीजें क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो हम अकेले जो भी चीजें करते रहते तो हम दोनों के बीच में रहते हैं जैसे हर किसी के घर में सब चीजें हस्बैंड वाइफ के बीच में रहती है बट But... अगर वो सामने आती हैं तो हम दोनों उन चीजों का ख्याल रखेंगे कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम अपना करियर तो बना रहे हैं हम ऊंचाइयों में पहुंच रहे हैं लेकिन समाज और लोग उनसे सवाल करके उनकी लाइफ हेल्प कर रहा है तो ये हम दोनों की जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं हम अपनी रास्ते तो बनाएं लेकिन उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हमारे एक्शन से अनफॉर्चुनेटली हम लोग जैसे यहाँ पे बड़े आ, उन चीजों से ये सारी इफेक्ट आ रहे थे उस इफेक्ट के बाद मेरी मदर ने इनको क्या बोला इन्होंने मुझे उस टाइम बताया नहीं उनके वो ना बताने से क्योंकि वो जब सामने वहां पे थी तो शायद चीज को कुछ उनको समझा पाता या कुछ कह पाता वो मौका मुझसे चला गया वो जब यहाँ से चली गई फिर उसके बाद करण सर ने जब मुझे बात बोली अब मैं उनसे बात कर नहीं सकता मैंने इनसे पूछ के ये चीज़ बोलना चाहिए उस पूरे टाइम पे किसी आपको पता है कि मैम बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम पांच साल से रिश्ते में उन पाँच साल के बीच में आप सबको पता है ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें अंकिता की लाइफ से जुड़ी जुड़ी हुई है जहां पे वो सब हम दोनों के बीच में कि हम कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहें शायद इतने अच्छे से रहें तब जाके हम आज शादी का फैसला ले पाए उन चीजों में अंकिता को हर चीज अच्छे से मालूम है उसका दिल जानता है कि हम किस तरह से यहां तक पहुंचे तो मेरे को बस उस चीज का वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी अगर उस जर्नी का हमारी पार्ट रही है तो आज कहीं ना कहीं आपके कोई भी एक छोटे से रिएक्शन से जो आप उसको सोचती नहीं कि उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है ये मुझे दिखता था तब आप जब वो इफेक्ट करती थी तो मैं आपको बोलता था कि बेबी अभी ये सब मत कर वरना उसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा तो ये सारे इफेक्ट उस सारे चीज़ों का पार्ट है अब जब हमने यहाँ कंट्रोल नहीं किया तो अब वो चीज़ें जो हो रही हैं वो मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद ही कर सकता हूँ बट मैम समझिए मैं भी कोई मैं एक इंसान हूँ मेरा और हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है आज हम दोनों ने शादी एक दूसरे को 100 परसेंट जानने के बाद की है पति पत्नी अगर एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाएंगे ना तो रिश्ते में बढ़ावा रहना था और एक आगे की जर्नी क्रॉस करनी थी आज अगर किसी की माँ अगर ये अपने किसी यू you नो know, ऐसे कोई शब्द यूज करती है अगर मेरी मम्मी ये बोलती और विक्की को ये बोलती स्पेशली मुझे बहुत हर्ट होता तो मैंने सिर्फ इसलिए इनको नहीं बताया इट वॉज द ओनली रीजन यहाँ तो करण सर को मैंने इसलिए बोला ना बताने के लिए क्योंकि सबके सामने बाहर दुनिया देख रही है बट एटलीस्ट घर में मेरे मदर इन लॉ की बेजती ना हो ये उन्होंने ऐसे कैसे बात की मुझे ये किसी के मुंह से सुनना नहीं था क्योंकि वो मेरा रिश्ता था मैंने इसलिए सबसे पहले करण सर को चुप कराया था और दूसरी बात मुझे विक्की तक ये बात इसलिए नहीं जाने देनी क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फोकस हट जाता है उस अपनी मम्मी है उसकी और मैं नहीं चाहती थी उस तक ये बात पहुंचे मेरा सिर्फ उतना इंटेंशन था ऑफ कोर्स मैं बाहर जाके आपको सबसे पहले यही चीज़ बताती थी क्योंकि मुझे भी हर्ट हुई थी वो चीज़ मैं आपसे छुपाना इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं छुपा रही थी कोई ट्रस्ट नहीं मैं इसलिए छुपा रही थी कि आप पर आपकी माँ का और आपका रिश्ता जो इतना स्ट्रॉन्ग है जिसके लिए आप फील करते हो मैं नहीं चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पर उसकी बुनियाद हिले दैट्स इट सी बस ये हंड्रेड श्योर है कि ना ऐसा हमारे बीच में होना चाहिए था जब प्यार है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था और अगर अब हुआ है तो उसके होने को देख के एक माँ एक फादर कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है वो सारी चीज़ें तब सॉल्व हो जाएंगी जब हम दोनों अच्छे से दिखाई देंगे उस दिन उस दिन की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी उसके लिए वी हैव टू तो गो आउट एंड मेक थिंग्स बेटर फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर एज मच एज़ पॉसिबल इन दिस हाउस दैट्स इट बस अंकिता आप बता दीजिए कि वो जो मन्ना मन्ना करते हैं आफ्टर आप इतना फील करते हो उसके बारे में कुछ बोलना चाहोगे वो तो वही जाने वो मन्ना मन्ना करते हैं मैं मैं कुछ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक यू you नो know, विक्की का एक स्टाइल है ठीक है ऐसा नहीं यहाँ पर ही आई थिंक ईशा को भी वो इशू बोलता था मना और जेन्यूनली मैं आपकी चीज़ बोल रही हूँ चीज़ जो बड़ी है ना वो शायद वो मेरे रिएक्शन की वजह से बड़ी है मुझे ऐसा लगता है ये पहला कुछ था नहीं आई थिंक आई हैव रिएक्टेड टूवर्ड्स इट वेरी दिस थिंग

बढ़ाती है देखिए किसी को भी अटेंशन अच्छी लगती है अगर उन्हें ये मज़ा आ रहा है क्योंकि मेरा हस्बैंड भी एक तरीके से यू नो ही इज इट तो मैं जब तक कर सकती थी मैंने अपने तरीके से दोनों को समझाया मैंने नारा को तो नहीं सॉरी पर मैंने विकी को जरूर समझाया कि विकी मेरे को तकलीफ हो रही है मेरे को तकलीफ हो रही है बट उसके बाद भी अब उनको वो मना करना है और मुझे जेन्यूनली अब मैं कई क्लैरिटी लाई कि दैट्स दैट्स ओके देयर लाइफ एज एन इंडिविजुअल और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती अंकिता की बातें सुनकर आप को क्यों हंसी आ रही है नहीं कुछ वो मना मना वाला एक पंचलाइन आया थोड़ा तो उस लिए थोड़ा हंसा हुई आप देख रहे हो ऑफ कोर्स सीजन का पूरा रिकैप जो दिख रहा है यहाँ पे वही बिग बॉस कब से वही बोल रहा हूँ यार एपिसोड बस सुनाओ इनको जो कट कट करके फटाफट कर प्रॉब्लम यही है सवालों के सीधे जवाब नहीं आ रहे हैं पूरे सीजन का रिकैप दिया जा रहा है यहाँ पे मेरे को बिग बॉस आपकी एक लाइन याद है कहानी मत सुना रीजन बता तब भी तूने कहानी सुनाई थी <laughs> तू सुना रहा था इसलिए बोला था बिग बॉस ने